नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रामगढ़ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। देवर और भाभी के अवैध संबंध ने पति को मौत के घाट उतारा। 34 वर्षीय शौकत अंसारी का पंखे के कड़ी से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि तोपा क्षेत्र के CCL क्वार्टर में रह रहे लगभग 34 वर्षीय शौकत अंसारी का शव आज सुबह पंखे की कड़ी से झूलता हुआ पाया गया। मृतक के बच्चे ने सबसे पहले अपने पिता को पंखे की कड़ी से लटकता हुआ देखा, जिसके बाद उसने शोर करके लोगों को बुलाया। फिर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मुखिया मिराज अंसारी ने इस घटना में सीधे तौर पर मृतक की पत्नी शमा परवीन व मृतक के छोटे भाई तुफैल अंसारी पर अवैध संबंध में हत्या का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर मांडू थाना इंस्पेक्टर हरि नारायण प्रसाद सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर लोगों ने देवर भाभी पर अवैध संबंध हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल जांच जारी है। मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, यह हत्या थी या आत्महत्या। बोला यह है कि रात्रि करीब 2-3 बजे के आसपास में शौकत अंसारी का रस्सी से बना हुआ पंखा के कोड़ी से लटका हुआ खिलाफ प्राप्त हुआ उसके घर से ही, जिसे देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि किसी के द्वारा हत्या कर उसको साँच को छुपाने के नियत से टांग दी गई हो। रामगढ़ से सागर कुमार की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज के साथ।